हेलो दोस्तों, एपी फिल्मी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्ठू का ट्रेलर का रिव्यू करने वाले, जो भारतीय महिला क्रिकेट के पूर्व कप्तान मिताली राज के जीवन से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिसके मेन लीड रोल में तापसी पन्नू और उनके कोच के लीड रोल में विराज राज है। ये फिल्म एक डायलॉग से शुरुआत होती है, नजरिया बदले खेल बदल गया है। फिल्म के ट्रेलर में मिताली राज के बचपन से लेकर क्रिकेट बनने के सफर तक उनके संघर्षों को तापसी पन्नू के द्वारा बेहतरीन तरीकों से दर्शाया खिमाया गया है। मिताली राज का जो रुको जरा सबर करो, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया। उसको बचपन से ही क्रिकेट खेलने का सपना, उन्होंने खुद को ही अपना पैशन बना लिया था। इस ट्रेलर में वही दम है जो भारतीय महिला क्रिकेट में दिखाई देती है। एक फिल्म में तो दिखाया गया है कि जब क्रिकेट की तस्वीर से तापसी पन्नू अपनी जर्सी के लिए डिमांड रखते हुए कहती है सर कि हमारा भी कोई पहचान होनी चाहिए, तो क्रिकेट एसोसिएट के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें शर्मिंदा करके बाहर निकाल देते हैं, और वह जब बाहर निकलती हैं तो कहती हैं कि हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पूरा दुनिया हमें कभी भूल न पाएगी। और इसी डायलॉग डिलीवरी के साथ ये फिल्म आगे बढ़ती है, और शायद वही चल रहा होगा जब मिताली राज अपने लिए नहीं बल्कि अपने टीम और देश को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए उन्होंने ठान लिया। इस फिल्म से उत्साहित होकर मिताली राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को साझा करते हुए लिखा कि एक खेल नहीं, यह एक खेल, एक राष्ट्र, एक महत्वाकांक्षी मेरा सपना है, और मैं टीम की आभारी हूँ और आप सभी से अपनी कहानी साझा करने के लिए उत्साहित हूँ। इस फिल्म को 15 जुलाई 2022 को वेकम एडी स्टूडियो पर रिलीज किया जाएगा। इसी के साथ ही समाप्त है। आप सभी से विनम्र निवेदन है 15 जुलाई को अधिक अधिक संख्या में सिनेमा घरों में उपस्थित होकर इस फिल्म को प्रोत्साहित करें और धन्यवाद। 10 लाइक और 5 कमेंट्स भी आ चुके हैं।